इसके इस्तेमाल से आपके बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़ेगी, बालों का टूटना झड़ना बंद होगा और रूखे सूखे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को बहुत ज़्यादा काला कर सकते हैं, बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, अपने बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं, अपने दो मुहे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी बना सकते हैं और इसी के साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा काले, घने, लंबे, सिल्की शाइनी व मजबूत हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको ये नुस्खा सही से समझ आए। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइज, चार चीजों के द्वारा मैं इसे बनाऊंगा, जिसमें पहली चीज है गाइज सरसों का तेल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गाइज सरसों का तेल आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज्यादा काले हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी दिखाई देने लगेंगे और बालों की लंबाई बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। गाइज, आपको सिंपली करना है कि 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल एक साफ कटोरी में आपको ऐड कर देना है। ये देखिए गाइस, 3 चम्मच सरसों का तेल मैंने एक कटोरी में ऐड कर दिया है। अब गाइस, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वह गाइस अदरक का रस। आपको सिंपली एक अदरक ले लेनी है और उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से बिल्कुल पीस लेना है और छन्नी की सहायता से उसका जूस आपको निकाल लेना है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से अदरक का रस आपको निकाल लेना है और गाइस 2 चम्मच अदरक का रस भी इसके अंदर ऐड कर देना है। गाइस, अदरक के अंदर सारी खूबियां होती हैं जो आपके बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अदरक के रस के इस्तेमाल से आपके बालों की चमक बढ़ेगी, आपके बालों का सफ़ेद होना बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा काले घने हो जाएंगे। गाइस, तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइस प्याज का रस। आपको सिंपली एक प्याज लेनी है और उसको भी इसी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इसको बिल्कुल रस इसका निकाल लेना है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से आपको प्याज का रस भी निकाल लेना है। गाइस, प्याज के रस के अंदर सल्फर होता है जो आपके बालों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। प्याज के इस्तेमाल से आपके बाल टूटने झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों की लंबाई 10 गुना तेजी से बढ़ती है और आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। सो गाइज, आपको सिंपली करना है कि 2 चम्मच प्याज का रस भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए गाइज, प्याज का रस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब गाइज, लास्ट चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगी, बालों की चमक बढ़ाएगी, जो है गाइज विटामिन ई कैप्सूल। गाइज, आपको 2 विटामिन ई कैप्सूल ले लेने हैं, कुछ इस तरह के आते हैं मार्केट से, आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। और 2 विटामिन ई कैप्सूल भी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आपके बालों को हेल्थी बनाने में, सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ही मदद करेगा। ये देखिए गाइस, 2 विटामिन ई कैप्सूल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। पहले इसे मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको अपने बालों में लगाना है। ये देखिए गाइस, ये एक ऑयल की तरह बनकर तैयार हो गया है। अब आपको इसको अपने बालों में इस्तेमाल करना है। जैसे आप डेली रूटीन में अपने सिर में तेल को लगाते हैं, कुछ इसी तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है। नहाते समय आप इसे लगा सकते हैं 1 घंटा पहले, या फिर रात को सोने से पहले भी आप इसे लगा सकते हैं। कम से कम 2-3 घंटे तक आप इसे बालों में लगा रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा असर करेगा। आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे और बालों की चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं या फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, उस पर भी बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलेगा। आप किसी भी टाइम इसको लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है बहुत ही नेचुरल है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाती है, बहुत ज़्यादा काला बनाती है, बालों का टूटना झड़ना बंद होता है, बाल जो 2 मुहे हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाते हैं और बालों की चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो गाइस, अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बालों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। ये आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।